अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। इसको हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक कंज्यूमर मैथमेटिक्स है। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करना, तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसके चांसेस पेपर में आने के बहुत कम होते हैं, बट आपको समझना और आपको पढ़ना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। ये सारा जो आज आप टॉपिक करें, जैसे कि आप चैप्टर के टॉपिक से ही वाकफ है, कंज्यूमर मैथमेटिक्स है, तो कंज्यूमर के जो मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ा, कितना टैक्स दिया, कितनी चीज़ खरीदी, क्या किया। इस तरह जो फर्दर एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही होगा। तो आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स आपको बिल बनाना है, तो इंतहाई आसान काम है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इन द फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग हैज़ बीन गिवन। आपने सुना कि गैस की रीडिंग जो है वो आपको दी गई है। कंप्लीट द गैस बिल विद द हेल्प ऑफ स्लैब गिवन इन दिस यूनिट। Also include the meter rent and GST, government sales tax. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कम चांसेस होते हैं इसके पेपर में आने के, बट ये जब भी आते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आप स्टूडेंट्स जो स्लैब जिसके हवाले से बताया गया है उसको बुक अकॉर्डिंग टू बुक पेज नंबर 124 है उसमें उसको देख सकते हैं स्लैब को। तो मैं अपनी बात को जो है वो शुरू करूँ ताकि हम क्वेश्चंस को एंड कर सकें। तो आप देख रहे हैं इसका जो मीटर की रीडिंग है वो आपको अवेलेबल है। मैं रीडिंग के हवाले से आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग है वो स्टूडेंट्स मीटर क्यूब के अंदर होती है। रीडिंग किस यूनिट के अंदर अवेलेबल होगी? मीटर क्यूब के अंदर अवेलेबल होगी। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं वो है 3.0756 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने बिल बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस। तो आपके पास क्या है? 3.0756 मीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लैब के अंदर आप जो आपको स्लैब अवेलेबल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 to 0.5 का रेट अलग है, 0.5 to 1 अलग है, over 1 to 2 अलग है, over 2 to 3 अलग है, 3 to 4 अलग है। इस तरह सभी का रेट जो है वो क्या है, अलग है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो अमाउंट है 3.075 है, यानी इसका इसमें जो 3 है उसका रेट अलग होगा, 0.576 0.0756 का रेट जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, अलग होगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्लैब को देख रहे हैं, गैस चार्जेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, गैस चार्जेस 3 मीटर क्यूब के जो हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्लैब ₹3,25.48 आपने देखा। और जो गैस चार्जेस आपके पास अवेलेबल, जैसे कि आपने मैंने पहले भी बताया था कि इसके गैस चार्जेस अलग होंगे और इसके गैस चार्जेस अलग होंगे, गैस चार्जेस 0.0756 मीटर क्यूब, इसके गैस चार्जेस अकॉर्डिंग टू स्लैब आपके पास अवेलेबल है 80.65। क्या है? 80.65। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स ये जहन में रखना है कि हर दफ़ा मीटर रेंट आपको पे करना होगा, हर दफ़ा मीटर रेंट पे करना होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर रेंट, मीटर रेंट, और ये याद रखिएगा मीटर रेंट फिक्स होगा ₹120, ये आपका मीटर रेंट होगा और ये फिक्स होगा।
उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये जो 3 मीटर क्यूब के जो चार्जेस हैं 0.0756 मीटर क्यूब के जो चार्जेस हैं और जो रेंट मीटर रेंट है इन्हें आप ऐड करेंगे, 325.48 प्लस 80.65 प्लस 120। आप इन तीनों अमाउंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए इन्हें ऐड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कैलकुलेटर पे हम इन्हें ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 526.13। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। जैसे कि आपने देखा कि मीटर रेंट तो आपने फाइंड कर लिया है, मगर क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आप जीएसटी भी ऐड करेंगे। याद रखिएगा आप अमाउंट जो भी आपके पास अमाउंट होता है आपका, उसका 16% आपने जीएसटी देना होता है। जीएसटी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट सेल टैक्स, तो 16% स्टूडेंट आपने जीएसटी पे करना होता है। तो आइए जीएसटी फाइंड करते हैं, जीएसटी एट 16%, तो कितना बनेगा 526.13 मल्टीप्लाई 16/100। आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आइए डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 84.18। क्या आंसर आ जाएगा, रुपीज़ 84.18। ये स्टूडेंट्स हमारा जीएसटी बन गया। अब आपको करंट बिल फाइंड करना है। करंट बिल में क्या होगा, उसमें मीटर रेंट भी इंक्लूड होगा, उसके अंदर गैस जो जीएसटी है वो भी ऐड होगा, और गैस के जो चार्जेस आपने पहले फाइंड कर रखे हैं वो भी सारे ऐड होंगे। तो आइए करंट बिल फाइंड करते हैं। करंट बिल हमारा स्टूडेंट्स बनेगा, जैसे कि आप देख रहे थे टोटल अमाउंट हमारे पास है 526.13 प्लस जीएसटी हमारे पास है 84.18। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹610.31। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा कि आपने सबसे पहले जो आपके पास स्लैब अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग आपने 3 मीटर क्यूब का अलग रेट देखा और 0.0756 का अलग रेट लिखा, उसके बाद मीटर रेंट लिखा, उसके बाद टोटल किया, फिर आपने जीएसटी 16% फाइंड करके सारे अमाउंट को ऐड करके करंट बिल बना दिया 610.31। ये स्टूडेंट्स ये जो आप मैथ्स पढ़े हैं ये आपकी डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होने वाला मैथ्स है, इसलिए आपको इसकी समझ होना इंतहाई ज़रूरी है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल है 4.285 मीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में भी आपने इसको सॉल्व किया था। अमाउंट ऑफ गैस आपके पास 4.285 मीटर क्यूब है, ये आपके पास अमाउंट आ गया है। उसके बाद आप गैस चार्जेस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। गैस चार्जेस आप स्लैब को देख सकते हैं बुक पे, पेज नंबर 124, जैसे मैंने बताया गैस चार्जेस 4 मीटर क्यूब के, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹423.42। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास स्लैब की सहूलत अवेलेबल है और ये फिफ्थ स्लैब के अकॉर्डिंग फिफ्थ स्लैब जो है वो इसका आंसर होगी। उसके बाद गैस चार्जेस आप देख रहे हैं, गैस चार्जेस 0.285 मीटर क्यूब,
इसके चार्जेस आप देख रहे हैं वही है जो फर्स्ट लैब के अंदर आपने पढ़े थे, रुपीज 80.65। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो मीटर रेंट है। नेक्स्ट टॉपिक मीटर रेंट। मीटर रेंट हमारे पास कितना है, रुपीज 120। मीटर रेंट कितना आपके पास स्टूडेंट्स, रुपीज 120। इसके बाद आप टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 423.42 प्लस 80.65 प्लस 120। अब आप इन्हें ऐड कर देंगे, जैसे कि आप देखते हैं ऐड करने के बाद इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा ₹624.07। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसका हम GST फाइंड करेंगे, तो आइए इसका GST फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे GST एट 16%। मैंने आपको पहले भी बताया GST फिक्स होता है 16%, तो सभी क्वेश्चन के लिए ये फिक्स रहेगा। तो आप देखें 624.07 मल्टीप्लाई 16/100, आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। 624.07 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 पे डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ₹9.99.85 होगा। क्या होगा, 99.85, ये हमारे पास इसका GST आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसका करंट बिल फाइंड करना है। तो आइए करंट बिल फाइंड करते हैं। करंट बिल आपने देखा 624.07 ये इसका अमाउंट आता है और इसमें टैक्स ऐड करें 99.85 और इन्हें ऐड कर दें, जैसे कि आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इन्हें ऐड करेंगे 723.92 आंसर आ गया 723.92। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, थर्ड वाला। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा बुक पर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है 2.796 मीटर क्यूब। अब आपने यहां पे लिखा अमाउंट ऑफ गैस, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 2.796 मीटर क्यूब। अब गैस चार्जेस 2 मीटर क्यूब के, जैसे कि आपको पता ही है आप स्लैब को देख सकते हैं, सेकंड थर्ड स्लैब स्टूडेंट्स इसकी होगी, ये 153.75 आएगा, 153.75 आएगा, प्लीज 153.75। इसके बाद गैस चार्जेस 0.796 मीटर क्यूब, वो कितने बनेंगे, वो आप जैसे पहले भी जानते हैं ये ₹ 80.65 आएंगे। उसके बाद मीटर रेंट आएगा, मीटर रेंट है ₹ 120। टोटल अमाउंट क्या होगा, 153.73 प्लस 80.65 प्लस 120। तो इनको आप ऐड कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्हें हम ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹ 358.18। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। इसके बाद आपने इसका GST फाइंड करना है। यू नो दैट GST आपको पता है 16% होता है, तो आप वो फाइंड करेंगे इसका GST। आइए GST फाइंड करते हैं। GST एट 16%
358.18 मल्टीप्लाई 16/100। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 358.18 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है, जैसे कि कैलकुलेटर पे हमने कैलकुलेट किया, तो 57.31 आ गया। क्या आ गया? 57.31। अब स्टूडेंट्स आपने इसका करंट बिल फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान काम है करंट बिल। तो आप टोटल अमाउंट में टैक्स ऐड कर देंगे, यानी 358.18 में 57.31 ऐड कर देंगे, तो हमारा करंट बिल आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा 415.49। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर 4। आप देख रहे हैं 1.378 मीटर क्यूब। अब आपने यहां पे लिखना है सबसे पहले अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस है 1.378 मीटर क्यूब। अब आप यहां पे लिखेंगे गैस चार्जेस, गैस चार्जेस 2 मीटर क्यूब। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 मीटर क्यूब के गैस चार्जेस हमारे पास है रुपीस 153.73। इसके बाद गैस चार्जेस आप फाइंड करेंगे 0.378 मीटर क्यूब। इसके चार्जेस हमारे पास हैं 80.65। कितने हैं जी? 80.65। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मीटर एंड फाइंड करना है। यू नो दैट मीटर एंड जो है वो फिक्स है और वो कितना है, ₹120। टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स कैसे फाइंड होगा, आप इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे, यानी 153.73 प्लस 80.65 प्लस 120, इन्हें आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और उस ये जो आंसर है वो हमारे पास आएगा ₹358.18। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वन मीटर क्यूब का रेंट स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, जरा देखिएगा। वन मीटर क्यूब का रेंट अब हमारे पास है 84.45। कितना है? 84.45। तो टोटल अमाउंट में भी स्टूडेंट्स आप 84.45 लिखेंगे और आप इसे ऐड कर देंगे, तो इसके आंसर में भी आप समझते हैं थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा ऐड करने के बाद, वो 285.10 होगा, 285.10। इसके बाद आप इसका GST फाइंड करेंगे, GST एट 16%, 285.10 मल्टीप्लाई 16/100। आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹45.62। अब आपको स्टूडेंट्स करंट बिल फाइंड आउट करना है। करंट बिल तो 285.10 प्लस 45.62, आप इन्हें कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹330
0.72। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम एज है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट का मेथड बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, जरा सुनिएगा इसको। इफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आर गिवन, कंप्लीट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडिंग द आइटम्स एज वेल एज शोन इन द सॉल्व एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल लेकर आपको पूरा बिल जो है स्टूडेंट्स बनाना है, तो बहुत ही आसान काम है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 315 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स 315 यूनिट्स का आपने बिल बनाना है, तो आइए हम सबसे पहले बिल ड्रॉ करते हैं। जी हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स 315। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जैसे कि आप समझते हैं कि हर बिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स। तो जिन में रखिएगा फर्स्ट 100 यूनिट की प्राइस हमारे पास है रुपीज 2.65। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बिजली के बिल के अंदर यूनिट्स की प्राइस डिफरेंट होती है, पहले 100 की अलग है, दूसरे 100 की अलग है, तीसरे 100 की अलग है, इस तरह ये डिफरेंट है। तो आपने देखा कि 315 यूनिट है, तो पहले 100 की जो प्राइस है वो एक यूनिट की प्राइस, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट जो है वो एक यूनिट की प्राइस 2.65 है। तो 100 की कितनी हो जाएगी, आप 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पहले 100 यूनिट की प्राइस हमारे पास आ जाएगी 265। पहले 100 यूनिट की प्राइस आपके पास कितनी आ जाएगी, 265। अब नेक्स्ट बाकी की देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स एट, अब देख रहे हैं अब नेक्स्ट 200 यूनिट की जो प्राइस है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, वो हमारे पास अवेलेबल है ₹3.64। अब क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 से, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 से, जो ही आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹728। पहले 100 की प्राइस 2.65 होगी, नेक्स्ट 200 की प्राइस पर यूनिट 3.64 यूनिट चार्ज की जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे हैं अभी 15 और यूनिट भी बाकी रहते हैं, तो आइए उनकी प्राइस भी फाइंड करते हैं। अब 300 से तो ज़्यादा यूनिट हो जाएंगे, यानी 300 प्लस होंगे, तो एक यूनिट की प्राइस 6.15 रुपीस होगी। तो कॉस्ट ऑफ 15 यूनिट्स एट रुपीस 6.15, ये कितने बनेंगे, 15 मल्टीप्लाई 6.15
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो जवाब आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा रुपीस 92.25। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल फाइंड करेंगे। टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 315 यूनिट्स। तो आपने देखा पहले 100 की प्राइस 265 है, नेक्स्ट 200 की 728 है, नेक्स्ट 15 की 92.25। इसके बाद आप इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने से आंसर आ जाएगा रुपीस 1885.25। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट इसकी एक्साइज ड्यूटी फाइंड करनी है। एक्साइज ड्यूटी एट 1.5%। तो आप एक्साइज ड्यूटी स्टूडेंट्स इसकी फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे 1.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1085.25। इसे आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 16.28। इसके बाद ड्यूटी होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमारे पास है रुपीज़ 65.52। उसके बाद जैसे कि आप समझते हैं पीटीवी फीस भी हमारे बिजली के बिल में इंक्लूड होती है, पीटीवी फी वो कितना है रुपीज़ 25। इनकम टैक्स एट 1.6%। तो अब आप स्टूडेंट्स इनकम टैक्स भी फाइंड करेंगे, इसका इनकम टैक्स इसका आएगा 1.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1085.25। स्टूडेंट्स इसका इनकम टैक्स हमारे पास आ जाएगा रुपीस 17.36। क्या आ जाएगा रुपीस 17.36। कैलकुलेट करना आपको आता ही है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स आपने इसका करंट बिल फाइंड करना है। करंट बिल देखिएगा, तीन सौ पंद्रह यूनिट की प्राइस हमारे पास अवेलेबल थी 1085.25। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्साइज ड्यूटी हमारे पास है 16.28, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमारे पास है 65.52, उसके बाद पीटीवी फी वी हैव 25 रुपीज़, इसके बाद इनकम टैक्स वो आपके पास 17.36 है। ये स्टूडेंट जितने भी अमाउंट हमने फाइंड किए थे उन सबको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपके पास क्या होगा रुपीस 1206.41। ये स्टूडेंट्स हमारा करंट बिल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आप देख रहे हैं इसमें 210 यूनिट्स हैं, 210 यूनिट्स हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है, इंशाल्लाह जल्दी आपको समझ आ जाएगा। आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स वो कितने स्टूडेंट्स 210। अब जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने कॉस्ट फाइंड की थी, आपने लिखा था कॉस्ट
of 100 units at rupee 2.65. पहले 100 यूनिट की प्राइस 2.65 पर यूनिट होगा, तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.65 से, तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 625 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 110 यूनिट्स। जैसे कि आपको पता है 110 यूनिट बाकी रह जाते हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एट रुपीस, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी लिखा था, कितना लिखा था 3.64। तो आप क्या करेंगे, 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 से, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर हमारे पास आ गया है 60। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 400.4 आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 400.4 आंसर आ जाएगा। अब ये आपने देखा कि ये आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद आप टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 265 प्लस 400.4। तो आप देख रहे हैं इन्हें आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 665.4। क्या आंसर आ जाएगा, 665.4 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं, आपको इसमें एक्साइज ड्यूटी फाइंड करनी है। आप इसमें लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी एट 1.5% 1.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 665.4। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आंसर हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर आ जाएगा 9.98। उसके बाद आपने देखा एक्साइज ड्यूटी, तो आपको पता है ये फिक्स ही होती है, जी आपने लिख लिया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 60, जैसे कि आप देख रहे हैं 62.52। इसके बाद स्टूडेंट्स पीटीवी फी है, ये भी आपको पता फिक्स होगी ₹25। इसके बाद इनकम टैक्स एट 1.6% 1.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 665.4। इन्हें कैलकुलेट करने तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है वो इनकम टैक्स का आएगा 10.65। ये स्टूडेंट्स हमने सारी चीज़ें फाइंड कर चुके हैं, अब करंट बिल फाइंड करने वाला हमारा रह गया है, तो आइए करंट बिल फाइंड करते हैं। करंट बिल में आप देख रहे हैं सबसे पहले यूनिट्स की प्राइस आएगी, यूनिट आपने उसकी प्राइस बनती थी 665.4। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्साइज ड्यूटी आएगी 9.98। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 62.52। इसके बाद पीटीवी फी है 25 और इसके बाद इनकम टैक्स है 10.65।
तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो स्टूडेंट्स होगा 1827.9. इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड और फोर्थ पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उसका मेथड इन क्वेश्चन जैसा है, इसको आपने खुद परफॉर्म करना। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर थ्री को बुक पे देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कॉल्स मेड आर गिवन, कंप्लीट द टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग द आइटम्स, कॉल एट 5 rupees पर कॉल, CED एट 15%, HW टैक्स 4%। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है 5:30। तो आप देख रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉल्स वो स्टूडेंट्स हमारे पास 5:30 है। इसके बाद आप देख रहे हैं कॉल चार्जेस, कॉल चार्जेस एट ₹5 पर कॉल, एक कॉल की प्राइस स्टूडेंट्स 5 rupees है, 5 × 5:30 आप इन्हें कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2650। 5 को स्टूडेंट्स 5:30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2650 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा CED है वो 15% है, CED 15% हमारे पास है, 15/100 मल्टीप्लाई 2560, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 397.50। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास HW टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स इसको बोलते हैं, विद होल्डिंग टैक्स भी आप फाइंड करें वो आपके पास अवेलेबल है 4%, 4/100 मल्टीप्लाई 2650, इसको भी स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 106। क्या आ जाएगा 106। अब आपका करंट बिल कितना है तो आइए करंट बिल फाइंड करते हैं। करंट बिल वो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2650 ये कॉल्स के चार्जेस थे, उसके बाद CED टैक्स की प्राइस था आपके पास 397.50 और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 109। यानी आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करते हैं, आइए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा 3153.50। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, तो आप यहां पे लिखेंगे सेकंड पार्ट नंबर ऑफ कॉल्स वो है 640। उसके बाद आप लिखेंगे कॉल चार्जेस एट ₹5 पर कॉल, 640 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से
तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। आपने देखा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3200। क्या आ जाएगा? 3200। अब आप CED फाइंड करेंगे, CED एट 15%, तो 50/100 मल्टीप्लाई 3200। तो आपने देखा ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 15 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें। जो ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ₹480। आंसर क्या आ जाएगा? ₹480। उसके बाद आपने देखा सीईडी के बाद आपको विदहोल्डिंग टैक्स फाइंड करना है। विदहोल्डिंग टैक्स एट 4%, 4/100 मल्टीप्लाई 32। तो मैं देखा ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 32 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको करंट बिल फाइंड करना है, तो आइए करंट बिल 3200 की तो कॉल्स थी, टैक्स सीईडी टैक्स इसमें 480 है, विदहोल्डिंग टैक्स 128। तो सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ₹3808। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका थर्ड बार देखिएगा 750। अब आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉल्स, वो है 750। अब यहां पे लिखेंगे कॉल चार्जेस एट ₹5 पर कॉल। 750 मल्टीप्लाई 5, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1350। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने सीईडी फाइंड करना है, सीईडी एट 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई 1350। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 202.50 रुपीज़ में आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको विदहोल्डिंग टैक्स फाइंड करना है। विदहोल्डिंग टैक्स एट 4%, तो 4/100 मल्टीप्लाई 1350। इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹54। अब करंट बिल आपको फाइंड करना है। क्या करना है? करंट बिल फाइंड करना है। करंट बिल में क्या होगा स्टूडेंट्स? 1350 प्लस 202.50 प्लस 54। आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹1606.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट।
आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉल्स, वो है जी 270, उसके बाद कॉल चार्जेस, कॉल चार्जेस एट रुपीज 5 पर कॉल, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 270 से, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 270, तो आपने देखा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1350, क्या आंसर आ जाएगा 1350। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका CED फाइंड करेंगे, CED एट 15%, 15/100 मल्टीप्लाई 1350, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो आंसर आ गया रुपीज 202.5, आंसर आ गया रुपीज 202.5। इसके बाद आप इसका विद होल्डिंग टैक्स फाइंड करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स एट 4%, 4/100 मल्टीप्लाई 1350, ये रुपीज 54 आ जाएगा। अब करंट बिल आप फाइंड करेंगे, +202.5 +54, आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1606.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट 480, आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉल्स, वो आपके पास 480 है, कॉल चार्जेस एट रुपीज 5 पर कॉल, 5 मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई 5 रुपीज 2400 आ जाएगा। उसके बाद आपको सीईडी टैक्स फाइंड करना है एट 15%, 15/100 मल्टीप्लाई 2400, तो आप देखिएगा ये आएगा रुपीज 360, कितना आएगा रुपीज 360। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स एट 4%, तो आप 4/100 मल्टीप्लाई 2400, तो ये रुपीज 96 बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने करंट बिल जो है वो फाइंड करना है, इसको आप करंट बिल या पेएबल बिल भी कह सकते हैं, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 2400 प्लस 360 प्लस 96, तो आपने देखा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज 2532। इस तरह स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट, थ्री फिफ्टीन, अब आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉल्स 315, उसके बाद कॉल
charges at rupee 5 per call. तो एक कॉल की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 315 की कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई 315, तो आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1575. जैसे कि आपने देखा 315 कॉलों की प्राइस आपने फाइंड कर ली. अब सीईडी टैक्स है एट 15%, 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1575. तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 236.25. इसके बाद फ्रेंड्स विद होल्डिंग टैक्स हमारा फाइंड करने वाला रह गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. विद होल्डिंग टैक्स एट 4%, 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई 236.25, 1575 आएगा. 1575 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, तो आपने देखा इसका आंसर आ गया रुपीज़ 63. क्या आंसर आ गया? रुपीज़ 63. अब स्टूडेंट्स आपने करंट बिल फाइंड करना है. करंट बिल वो क्या होगा? 1575 की तो कॉल्स हैं, 236.2 फिल ये टैक्स है और 63 ये भी टैक्स है. स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किया तो पेएबल बिल या करंट बिल जो है हमारे पास आ गया 1874.25. इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होगी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके इसमें कम चांसेस होते हैं पेपर में इस क्वेश्चन के आने के, बट आपको इसकी समझ होना ज़रूरी है. आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें. और ये जो इसकी स्लैब्स हैं और ये इनकी जो GST है, PTV फी है और इस तरह की बाकी जितने भी लवाजमात हैं वो सारे आपने अच्छे तरीके से समझने हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके. तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.